गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सभी लोग एमएस वर्ड 2013 के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग अर्थात वर्ड प्रोसेसिंग ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर हमारे द्वारा कुछ लेटर या फिर कुछ लेटर हो, रिज्यूम, ईटीसी की जो हमारे तैयारी सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। पहले ये काम हम जानते हैं कि पहले जो वर्ड प्रोसेसिंग होती थी, तो पहले हमारे जो वर्ड प्रोसेसिंग को टाइपराइटरों या फिर हाथों से किया जाता था, तो हम सभी जानते थे कि उसमें इतना टाइम लग जाता था कि और गलतियां होने की संभावना भी होती थी। परंतु आजकल एक वर्ड प्रोसेसर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी लेटर के लिए जब तक वो एक प्रकार से कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसे हम बार बार एडिट कर सकते हैं एवं प्रिंटर के माध्यम से बार बार प्रिंट निकाल सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर की आजकल जो आधुनिक रूप का वर्ड प्रोसेसर है, उसमें हम अपने अनुसार से रंगीन फॉन्ट का इस्तेमाल करके, रंगीन टेक्स्ट का इस्तेमाल करके उसे आकर्षित बना सकते हैं और उससे सुविधा की दृष्टि से अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग का काम था, जो हाथों से या फिर टाइपराइटर से होता था। मान लीजिए आपको एक से अधिक कॉपी बनानी है, तो हम या तो पहले कार्बन का इस्तेमाल करते थे, तो कार्बन का इस्तेमाल करने से हम अपने कॉपी की एक दो या दो से अधिक कॉपी ही बना पाते थे। इसके बाद मान लीजिए हमको और अधिक कॉपी बनानी है, तो हमारे लिए फिर से हाथ से लिखना पड़ता था एवं हो सकता था कि हमारे लिखते लिखते बीच में गलतियाँ हो जाएँ और वही डाटा दोबारा ना लिखा जा सके। परंतु आज हम जब आज का युग कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर के युग में हम वर्ड प्रोसेसर जैसे प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हमारे लिए वर्ड प्रोसेसिंग करना आसान हो गया है। जैसे हम कोई लेटर वगैरह, लेटर ईटीसी प्रिंट करते हैं, बनाते हैं, तो उसे हम प्रिंटर से जितनी चाहे कॉपियाँ क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारा आज के टाइम पर वर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करना आनंददायक एवं अत्यंत सरल हो गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड 2013 को कैसे स्टार्ट करते हैं एवं उसके लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी को एमएस वर्ड ओपन को करने के लिए अनुमानित लगभग 3 विधियां बताऊंगा, परंतु हम इसमें से किसी भी एक विधि का इस्तेमाल करके एमएस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एमएस वर्ड 2013 का शॉर्टकट ये होता है, ये लोगो होता है। तो सिंपली हम एक काम करते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमने आपका एम एस वर्ड का सॉफ्टवेयर का लोगो बना के रखा है, तो सिंपली हमें क्या करना है, लोगो पर या तो हम डबल क्लिक कर सकते हैं तो हमारा एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारा एम एस, मैंने डबल क्लिक किया है और हमारा एम एस वर्ड ओपन होने लगा है। और यदि आप इस टाइप से नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे पास अदर ऑप्शन हो, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इस टाइप से हमारा एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम एम एस वर्ड ओपन करते हैं, तो हमारा एम एस वर्ड एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ खुलता है। मैंने आपसे कहा था कि हम एम एस वर्ड ओपन करने के हम आपके लिए 3 तरीके बताएंगे। तो हमारा पहला तरीका हुआ, जो लो हमारी डेस्कटॉप पर जो आइकन है उस पर हम डबल क्लिक करें एवं उसको हम ओपन कर लें। इसके अलावा हम दूसरा ऑप्शन को करते हैं। दूसरे ऑप्शन के लिए हम सिंपली एक यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाते हैं और यहाँ पर वर्ड टाइप करते हैं, WORD वर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वर्ड का एप्लीकेशन सामने आ जाएगा। इस पर सिंपली हम क्लिक करना है और हमारा एम एस वर्ड 2013 ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग सामने देख पा रहे हैं कि एम एस वर्ड 2013 बहुत सारी टेम्पलेट के साथ ओपन होता है। तो हम सभी लोग देख पा रहे हैं एम एस वर्ड, लेकिन हम सभी लोग अभी एम एस वर्ड को स्टार्ट से ट्यूटोरियल को सीख रहे हैं, तो हमारे लिए एम एस वर्ड के लिए एक ब्लैंक पेज को लेना उचित होगा। अतः जब आप लोग थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएं, तो हम सभी इन लोगों आप सभी लोग इस टेम्पलेट का इस्तेमाल आसानी से कर पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक ब्लैंक पेज से। ये हमारा एम एस वर्ड ओपन हो गया है। अब सिंपली हम आपको एक एक टैब के बाद में हम आपके लिए लेके चलेंगे। अब हम एम एस वर्ड 2013 की विंडोज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये सभी को मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल के थ्रू एम सब के लिए रख चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे लिए एवरेज
देख पा रहे हैं, ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार अर्थात यदि मान लीजिए हमें कोई कार्य जल्दी करना है तो हम क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जो ऊपर से दिख रहे हैं ये टैब्स होते हैं, ये इस टाइप से हमारे ये टैब हैं, और टैब्स के अंदर ये हमारा जो भी शो होता है इसे हम ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप के बाद ये ऊपर हमारा टाइटल बार दिख रहा है आपके लिए, जिस चीज़ पर हम लोग वर्क करते हैं उसे हम वर्क एरिया कहते हैं। जो हमारा था जो हमारा पेज पेज शो हो रहा है कंप्लीट, ये इसे हम वर्क एरिया बोलेंगे। थोड़ा नीचे चलते हैं, ये हमारा स्टेटस बार है जिस पर हम जितना वर्ड टाइप कर चुके हैं एवं जितने पेज हम लिख चुके हैं हमारे लिए दिखाया जाता है। एवं साथ में यदि हम चाहते हैं कि हमको बहुत छोटे अक्षर अच्छा टाइप करना है एवं हमको बड़े देखना है तो हमारे लिए यहाँ पर जूम स्लाइडर भी अवेलेबल होता है। अब हम एक काम करेंगे, एक एक टाइप का इजीली अध्ययन करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम होम टाइप से। है तो हम होम आज हम सभी लोग एमएस वर्ड 2013 के होम ग्रुप को समझेंगे। तो फर्स्टली आप सभी देख पा रहे हैं ये हमारा ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इस क्लिपबोर्ड ग्रुप को हम समझने के लिए आप देख पा रहे हैं कट और कॉपी का ऑप्शन हमारे अभी डिसेबल दिखाई दे रहे हैं। तो इनके लिए स्टार्ट करने के लिए हमारे लिए कुछ टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने कुछ पहले से कुछ टेस्ट को स्टार्ट करके रखा हुआ है, जैसे हमारा ये टेस्ट है एवं इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे हम जैसे जैसे ही हम टेस्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये टेस्ट हमारा देख पा रहे हैं ये हमारा सेलेक्ट है। तो हाँ, तो फर्स्ट हम आपको बताए थे हमको टेस्ट को सिलेक्ट कैसे करना है। जहाँ से आप सभी को टेस्ट को सिलेक्ट करना है वहाँ आपको वहाँ पर कर्सर रखना है और शिफ्ट के साथ में कीबोर्ड में होने वाली लेफ्ट राइट एरो को प्रेस करना है। जितना आपको सेलेक्ट करना है उतना हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जिस टेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा कट और कॉपी का ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो जैसे ही हम इस पर कट पर क्लिक करते हैं तो हम इसको वो वाला टेस्ट हमारा गायब हो जाता है। ये हम कट्स और कॉपी से मतलब समझाने का मतलब मेरा यह है कि कट का यूज़ जहाँ जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट है और आपको कहीं और लेके जाना है, जैसे मैं आपके सामने देख रहा हूँ यहाँ से मैं इस ऑप्शन को ऊपर से नीचे लेके आया हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट करूँगा। तो देखिए हमारा ये जो नीचे है ये हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए हमको कॉपी का इस्तेमाल करना है तो सिंपली हम जैसे हमने सेलेक्ट किया था तो हम इसको टेस्ट को सेलेक्ट करेंगे और साथ में कॉपी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कॉपी के ऑप्शन करने के बाद जहाँ भी हम आपको इस टेस्ट की कॉपी चाहते हैं वहाँ हमको सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल भी पेस्ट अर्थात ये पेस्ट का शॉर्टकट की है या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से भी पेस्ट का ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा ये टेस्ट पेस्ट हो जाएगा। ऐसे आप पेस्ट को कितनी भी बार कर सकते हैं, कितनी भी कॉपी बना सकते हैं। देखिए मैंने फिर से एक बार को पेस्ट का ऑप्शन किया है और फिर से हमारा ये पीसी पैकेज बार बार पेस्ट हो जाएगा। बट लेकिन यदि हम कट करना चाहते हैं तो कट से मतलब केवल केवल एक ही बार टेस्ट के लिए मूव ऊपर से नीचे या आप जहाँ चाहते हैं वहाँ भी अपने डॉक्यूमेंट में मूव करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप है। अब फॉन्ट ग्रुप में हम सभी लोग देख पा रहे हैं ये डिफरेंट टाइप की स्टार्ट हम करते हैं बोल्ड टेक्स्ट से। तो बोल्ड टेक्स्ट के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हमको किसी भी टेस्ट में फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहले हमारे लिए उस टेस्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपली हम शिफ्ट के साथ में पीसी पैकेज को सिलेक्ट करते हैं। बोल्ड बोल्ड अर्थात हमें जैसे हम कभी कभी बीच बीच में रजिस्टर में बोल्ड या फिर कुछ गाढ़े अक्षरों को कर देते हैं, सिमिलरली इसको बोल्ड कहते हैं। तो बोल्ड करने के लिए हम सिंपली बोल्ड पर क्लिक करते हैं। तो आप सभी को देख रहा होगा कि हमारा ये टेस्ट बोल्ड हो चुका है। सिमिलरली हमारा इटैलिक टैब है, बोल्ड के बाद हम इटैलिक करेंगे। सिंपली जैसे मान लीजिए हम होम टैब को हम चाहते हैं कि हमारा इटैलिक हो जाए तो इसके लिए हम सिंपली आई पर सेलेक्ट करेंगे और आई पर क्लिक कर देंगे। आप सभी को दिख रहा होगा कि हमारा ये होम टैब इटैलिक हो चुका है। इटैलिक अर्थात हल्का सा तिरछा हो जाता है। यदि हम इसी टैब को चाहते हैं जैसे हमारा इनोवेटिव इंस्टीट्यूट है इसके लिए हम चाहते हैं कि ये अंडरलाइन हो जाए और थोड़ा सा अलग दिखे तो इसके लिए हम अंडरलाइन टैग का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे कंट्रोल डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा हमारा जो टेस्ट है अंडरलाइन हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की लाइन हो तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है।
इसे हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी कहते हैं। इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा अंडरलाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि आपको जब जिस प्रकार की लाइन चाहिए है उस टाइप की लाइन को हम चूज़ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर डबल लाइन के लिए चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पर डबल लाइन स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं एवं जैसे हम चाहते हैं कि अभी हमने इसको इनोवेटिव इंस्टीट्यूट को यहाँ रख लिया है, जैसे मेरे सेंटर का नाम है, जैसे मैं चाहूँगा कि मैं इसको ऊपर ही रखना चाहूँगा तो मैं फिर से कट का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से सिंपली मैं यहाँ से इनोवेटिव इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया और कट का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और मैं ऊपर जाके जहाँ मेरे को पेस्ट करना है यहाँ पर सीधा सिमिलरली कंप्यूटर के कीबोर्ड के कंट्रोल भी प्रेस करूँगा और ये हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये हमारा डिफरेंट टाइप के फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट क्या होते हैं? फॉन्ट क्या होते हैं कि फॉन्ट जो हमारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़ के फॉन्ट स्टाइल होते हैं। जैसा कि हम सभी लोग बोलते हैं कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है या फिर किसी पर्सन की राइटिंग आपको बहुत अच्छी लगती है, सिमिलरली हमारे लिए डेस्कटॉप में कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स दिए जाते हैं। तो सिंपली हमारे लिए क्या करना है, उसके बाजू में आप लोग देख पा रहे होंगे ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करना है। तो हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स लॉन्च हो जाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप का कोई भी, जैसे हम इस टेस्ट के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो देख लीजिए हमारा टेस्ट उसी टाइप का बन जाता है। उसके जस्ट बाद आपको दिख रहा होगा ये है फॉन्ट साइज। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज के लिए सिंपली हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं एवं सेलेक्ट करने के लिए अपने हिसाब से मनचाहे साइज के लिए बढ़ा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं यदि हम चाहते हैं। यही काम हम यहाँ जस्ट आपको देख रहे होंगे कि छोटा ए और बड़ा ए दिख रहा है। छोटा ए हमारा है इनक्रीज सॉरी डिक्रीज फ्रंट फॉन्ट साइज के लिए एवं जस्ट उसके बाजू में दिख रहा है बड़ा ए दिख रहा है उसको फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए। जैसे हम पीसी पैकेज की फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने पीसी पैकेज को सेलेक्ट कर लिया है और उसके लिए हम थोड़ा बढ़ाई करें बढ़ाना चाहते हैं तो हम इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि यह काम हम कीबोर्ड से करना चाहें या शॉर्टकट की से करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन से हम इसको फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि इसको हम छोटा करना चाहते हैं तो सिंपली हम कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से छोटा भी कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद में आपको थोड़ा सा आंग दिख रहा होगा ये सेंटेंस चेंज केसेस। वैसे आप सभी को बता दें ये PGDCA MTCA के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है MS Word में। केसेस को समझाइए, केसेस को समझने के लिए हमारे लिए कुछ टेस्ट की आवश्यकता होगी तो हम एक काम करते हैं थोड़ा सा टेस्ट को एंटर कर लेते हैं। ये मैंने एक टैब लगाया है जिसके थ्रू हमारे लिए कुछ वर्ड हमारे लिए टेस्ट की व्यवस्था कर देता है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर ये टेस्ट बहुत सारा टेस्ट आ गया है। मैं इसके लिए थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा है और आप सभी को समझने के लिए हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी करें तो हम थोड़े टेस्ट के लिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये मैंने रेंट का को लगाया फिर से एवं ये हमारे टेस्ट को मैंने छोटा कर लिया है। अब जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं टेस्ट में मैंने कुछ फॉर्मेटिंग ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसके लिए स्टॉप कर दें।